कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने कोतवाली थाना क्षेत्र के खूनीपुर चौराहे पर मास्क का चेकिंग अभियान चलाया और बिना मास्क लगाए लोगों को चालान भी किया। इसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक लोगों का चालान किया गया। इसके साथ मास्क पहनकर घर से निकलने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया तथा लोगों में मास्क का भी वितरण किया गया। एसपी सिटी ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग मास्क लगाकर सामान खरीदने आ रहे हैं उन लोगों को ही सामानों की बिक्री करें और जो लोग बिना मास्क खरीदारी करने आ रहे हैं उन्हें आप वापस घर भेज दीजिए। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि पहली बार में बिना मास्क के घूम रहे व्यक्ति से 100 रुपए का चालान किया गया है और मास्क का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा यह कार्रवाई लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस अवसर पर एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीओ कोतवाली बीपी सिंह, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह, राजघाट थाना प्रभारी अरुण पवार, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सागर सहित अन्य पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव तथा एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा देखिए, आने वाले जो कुछ समय में ये देखा गया है कि लोग मास्क का कम इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो उसी का प्रभावी अनुपालन करने के लिए कार्रवाई की गई है और पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई है और सभी को जागरूक किया गया है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, बिना मास्क के कोई बाहर ना निकले और अगर मास्क के बिना कोई बाहर निकले उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अभी चालान की कार्रवाई की जा रही है, आगे भी और इलाकों में कोतवाली के अलावा और जो राजघाट थाना क्षेत्र है और चौक और कैंट है इन सब एरियाज़ में भी कार्रवाई की जाएगी और सभी जनता से
से अपील है कि वो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग पालन जरूर करें। जुर्माना भी वसूला जा रहा है? जी हाँ, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना वसूला जा रहा है। दोबारा फैल रहा है, आप सबको ज्ञात है, देश के कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन भी लग चुका है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट जागरूकता हम फैलाना चाहते हैं। कोरोना के संक्रमण के मरीज थोड़े बढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उस स्थिति में ना पहुँचे, इसलिए हम पहले ही लोगों को जागरूक कर दें और लोग मास्क वगैरह लगाना शुरू करें। तो आज से अभियान चल रहा है, यहाँ से ADM साहब भी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट भी हैं, ADM FIR भी थे और मैं स्वयं यहाँ पे था, हमने चालान किए हैं ताकि लोगों में थोड़ी जागरूकता हो और लोग मास्क पहन के घूमा करें। देखिए अभी तक हम लोगों ने 10 लोगों का चालान कर लिया है यहाँ पे, बाकी हमने आदेश जारी कर दिया जिसमें सभी को ड्यूटी लगाई जा रही है अलग अलग स्थानों पर लोग चालान करके। और मीडिया वालों से अनुरोध मेरा रहेगा कि आप भी प्रचार प्रसार करें कि लोग मास्क पहनें, क्योंकि हमारा फोकस चालान नहीं है, हमारा फोकस है कि लोग मास्क पहनना शुरू करें और इस संक्रमण को फैलने से रोकें। और आगे भी चालान जारी रहेगा, ये अभियान जारी रहेगा इस तरह।